हेड ऑफ ई कॉमर्स, तो इनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। इस्लामाबाद के एवरेज बच्चे का ख्वाब होता है कि यार गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है तो बस, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी, हम सब लोगों का स्पेशली बच्चों का ख्वाब है अमेजोन के ऊपर सेल करना। जितनी भी मेरी कंपनी से जानने वाली या जो लोग हैं जानने वाले जो अमेजोन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंडियन उनको 24% मार्जिन बचता है सब कुछ निकालने के बाद। प्रोडक्ट और इस कॉटेज कॉस्ट के अंदर जब आप लेके आएंगे पाकिस्तान में, तो ऑलरेडी इतना ज्यादा एरिया अवेलेबल है और वहाँ पे तो लोकल ई कॉमर्स में सबसे जो आसानी है वो ये है कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी एज से शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी इन्वेंट्री नहीं खरीदनी। चाइना के अंदर अमेजोन है ही नहीं। एक दिन में अलीबाबा 11/11 पे इतनी सेल करता है जितना पाकिस्तान का टोटल कर्जा है। एक वक्त ऐसा था कि आपको वेबसाइट चाहिए होती थी, अब वक्त ऐसा आपको वेबसाइट भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में उसको वो कॉस्ट नहीं मिल रही पाकिस्तान के उस एरिया से मिल रही है। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट को। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और deployers.pk के मीडिया हेड के तौर पर मैं जिम्मेदारियां संभाल चुका हूँ। आज हम बात करेंगे लोकल ई कॉमर्स के मुतालिक, और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हैदर अहमद काजी साहब इनका नाम है। और अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ गूगल पर जाकर आप लिखिए बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स, तो इनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज हम आपसे बात करेंगे लोकल ई कॉमर्स के मुतालिक। आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुना है गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप लोकल ई कॉमर्स की तरफ आ चुके हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं लोकल ई कॉमर्स क्या है, अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा प्लीज। एग्जैक्टली जी, आज से कोई तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है कि मैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहा था, और वो तकरीबन मैंने 6-6.5 साल जॉब की है वहाँ पे। और एक इस्लामाबाद के एवरेज बच्चे का ख्वाब होता है कि यार गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है तो बस, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। CDA के अंदर नौकरी थी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, और आपको एक प्लॉट भी वहाँ पे वो दे देते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। तो गवर्नमेंट में CDA से अच्छी, जिसे कहते हैं कि नौकरी नहीं होती। बट मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट में एक किस्म का ना जंग लग रहा है, आप अपनी कोई जर्नी नहीं है, कोई एक एक जो है ना, जैसे कहते हैं कि फ्यूचर उसका कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा था, एक बहुत स्टेगनेंट सी एलिमेंट था। ई कॉमर्स उस वक्त देखा मैंने कि पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ा एग्रेसिवली आ रहा है, और एक चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी। मैं वहाँ गया इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पता चला जब मैंने 6.5 साल काम किया गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर में, उसकी जीरो वैल्यू थी। वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि मेरे आने वाले अगले 10 साल भी, अगर मैं 20 साल भी यहाँ लगा देता हूँ, इन दी एंड मैं बिल्कुल एक ऐसी खाई के अंदर गिरता जा रहा हूँ जिससे मैं वापस नहीं निकल सकता। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स का जर्नी? बिल्कुल। तो वो चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी, और वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ इंटरव्यूअर ने मुझे एक बात बोली, और उसने कहा कि आज से 4 साल बाद ई कॉमर्स का बंदा नहीं होगा। और आज देख लें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैंने उसकी बात पे अमल किया, मैंने उसको अपना ई कॉमर्स को जिसे कहते हैं ना कि एक एम बनाया, उस डायरेक्शन में गया, उस चीज़ को सीखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो हैदर अहमद काजी नाम होता है। जी माशाल्लाह, बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छा काजी साहब, 4.35% जो है ना इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, इस सारी पोजीशन में अगर आप देखें तो बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोकल ई कॉमर्स इस वक्त कितना ज़रूरी है, और अगर जो लोग नहीं कर रहे इसको प्रैक्टिस वो क्या खो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक मैं क्रेडिट दूंगा कुछ इंस्टीट्यूट से जिन्होंने अमेजोन के ऊपर एटलीस्ट ट्रेनिंग बताई। अमेजोन एक दुनिया का बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस जैसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वॉलमार्ट ने भी कर दिया है, अलीबाबा चाइना के अंदर उससे भी बड़ा है। लेकिन आप एक मिनट के लिए अंदाजा लगाएं कि जो हम सब लोगों का स्पेशली बच्चों का ख्वाब है अमेजोन के ऊपर सेल करना, चाइना के अंदर अमेजोन है ही नहीं। एक दिन में अलीबाबा 11/11 पे इतनी सेल करता है जितना पाकिस्तान का टोटल कर्जा है, अगर उसको इंटरेस्ट निकाल दें तो टोटल कर्जा जितना है, एक दिन की ई कॉमर्स की सेल इतनी है कि जितना पाकिस्तान का कर्जा है। अब आप इमेजिन करें इसकी पावर कितनी है। और आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि अमेज़न पे जितना भी सामान बिक रहा है वो सारा चाइना से सोर्स, सारा चाइना से सोर्स हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि अमेज़न पे बहुत से लोगों ने आके ट्रेनिंग दी, बहुत से लोगों ने काम करने की कोशिश की, 13,000-13,500 अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। वो ये नहीं था कि हर बंदा ही फ्रॉड कर रहा था, वो प्रोसीजर्स हैं, जो क्राइटेरियाज हैं फॉलो करने हैं, वो इतने डिफिकल्ट हैं कि हर बंदा उस पर मीट नहीं कर सकता। बिल्कुल काजी साहब, ये क्राइटेरिया की ही मैं आपसे बात करूंगा। क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपको अमेजोन में फेस करने पड़ते हैं जो कि आपको लोकल ई कॉमर्स में फेस नहीं करने पड़ते और आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है? जितनी भी मेरी कंपनी से जानने वाली या जो लोग हैं जानने वाले जो अमेजोन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंडियन उनको 24%
मार्जिन बचता है सब कुछ निकालने के बाद, बिकॉज FBA मॉडल पे अगर वो जाते हैं तब भी अगर $10 की आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, $6 तो सिर्फ आपको FBA देना पड़ता है। इस तरीके से $6 आपकी अमेजोन की फीस आ जाती है। इसे करते कराते जब इन दी एंड आप देखते हैं ना, आपको सिर्फ 24% मार्जिन बच रहे होते हैं, जबकि लोकल ई कॉमर्स के अंदर जो मार्जिन परसेंटेज है वो 66-70% भी है। इवन अगर आप देखें, अगर आप गिफ्टिंग सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो गिफ्टिंग सर्विसेज आपको ऑलमोस्ट 70-80% मार्जिन देती है। 300 रुपए का केक आप इमेजिन कर सकते हैं, आप 2200-2400 रुपए का बेच सकते हैं गिफ्टिंग सर्विसेज के अंदर। ये लोकल ई कॉमर्स है। तो लोकल ई कॉमर्स में सबसे जो आसानी है वो ये है कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी एज से शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी इन्वेंट्री नहीं खरीदनी। सिर्फ आपने ये देखना है कि अच्छी सोर्सिंग आप कहाँ से कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद है। आप इमेजिन करें कि झंग के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री बॉक्सर्स बना रही है, और वो बॉक्सर्स इतने जबरदस्त क्वालिटी के हैं। एक इंटरनेशनल क्वेरी आती है कि हमें बॉक्सर्स का पैक ऑफ 3 चाहिए, $2.45 की कोटेशन है, कोई मैच नहीं कर पा रहा, झंग की उस फैक्ट्री ने $1.45 के अंदर दिए। कैन यू इमेजिन, ये लोकल प्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ, लोकल प्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल हुआ। अपने तमाम देखने वालों को मैं एक दफा फिर से बताता चलूं कि 25 सितंबर को इस्लामाबाद के रमादा होटल में हमारा इवेंट होने जा रहा है। वहां पर काजी साहब होंगे, वहां पर ज़िक्रिया फवाद साहब होंगे, आपने उनका भी नाम सुना होगा। उमर मुबीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ये हमारे लीड ट्रेनर्स हैं। वहां पर आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोकल ई कॉमर्स में किस तरह तरक्की पा सकते हैं। अभी जाइए deployers.pk की साइट पे, अपनी स्लॉट्स बुक कर लीजिए। अच्छा काजी साहब, वापस डिस्कशन की तरफ आते हैं, ये बताइएगा क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले लेंगे, और उन स्टेप्स को लेने के बाद आपका लोकल ई कॉमर्स का जर्नी शुरू हो जाएगा। देखिए स्टेप्स हैं, एक वक्त ऐसा था कि आपको वेबसाइट चाहिए होती थी, अब वक्त ऐसा आपको वेबसाइट भी नहीं चाहिए। एग्जांपल आपको दूंगा, यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएटर्स को अब इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भेज रहे हैं। एक हमारे कुछ स्टूडेंट्स 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट को लगा के उनकी पिक्चर्स लगा के बेच रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट। और जो वेबसाइट बना लेते हैं जिसमें आप समझे कि सिर्फ वेबसाइट होने और ना होने में सिर्फ 5.5-6 हज़ार रुपये मंथली खर्चा है, अगर वो बंदा अफोर्ड कर लेता है, अपना एक ब्रांड बना लेता है, तो उसकी सेल महीने में 10-10, 11-11 लाख रुपये है। और इसमें बता रहा हूँ कि 40-50% आपको मार्जिन बच रहा है। अमेजोन पर काम करने के बाद आपको 24% ज़्यादा मार्जिन नहीं बच रहा, और इतनी मुसीबतों के बाद 10-15 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहां पे 15,000 की इन्वेस्टमेंट से आप एक अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, 25 सितंबर को जो इवेंट होने जा रहा है, इससे पहले बीसी लाहौर के अंदर इवेंट हुआ है, 25 सितंबर में जो इवेंट होने जा रहा है उमर मुबीन का deployers.pk का रमादा होटल इस्लामाबाद में, वहां बकायदा केस स्टडीज दिखाई जाएंगी, वहां लाइव दिखाया जाएगा कैसे हो रहा है। तो हम वहां पे एग्जांपल्स दे के बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना ब्रांड सिर्फ शालमी से प्रोडक्ट्स खरीद के कर सकते हैं, अपना कॉस्मेटिक का ब्रांड बना सकते हैं, अपना अपैरल का ब्रांड बना सकते हैं, अपने डिफरेंट और कमोडिटीज का ब्रांड बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काजी साहब, आपने बात की 25 सितंबर को हमारा इवेंट आ रहा है, लाहौर में भी था 21 अगस्त को, कैसा रहा इवेंट, कैसे तासुरात थे, बच्चों की कैसी पार्टिसिपेशन थी, कितना मजा आया आपको, जरा हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज शेयर। यार हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 100 बच्चों के लिए सिर्फ इवेंट कर लेते हैं, बिकॉज उस टाइम अमेजोन के कुछ अकाउंट्स ब्लॉक हुए, बहुत बेतहाशा मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए, लोग बहुत नाउम्मीद हो गए थे, लोग ये समझ रहे थे कि यार अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, अब हम काम कैसे करेंगे। तो हमने उनको ये समझाने के लिए सिर्फ इवेंट रखा कि अमेजोन इज जस्ट अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ द होल ई कॉमर्स इकोसिस्टम, वो बहुत छोटा सा, जबकि उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप उसको सीखें, उसको करें। तो उन लोगों को वो चीजें बताई, जब उन्होंने देखी उनके दिमाग के कहते हैं ढक्कन खुल गए। 100 बच्चों के लिए हमने किया था, 400 बच्चे हमें वहां मैनेज करने पड़ गए, उसके ऊपर हमने इवेंट में फ्री हाईटी भी दी, लोगों ने सीखा। उसके बाद कुछ बच्चे तो ऐसे हमारे पीछे पड़े कि हम उनके लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। और काजी साहब ये भी सुना है कि काफी ज्यादा बच्चों की अकाउंट थी जिनको फ्री अकोमोडेट किया गया। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुल्तान से, बखर से, साहिवाल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारे आ रहे थे, वो ऑलरेडी अपनी जो है क्या कहते हैं एक्सपेंस भर के आ रहे थे, तो हम लोगों ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्योंकि कुछ स्पॉन्सर्स हमारे साथ ऑलरेडी थे, उन लोगों ने उसकी फीस भरी। बिकॉज डेफिनेटली सर पीसी के अंदर, रमादा के अंदर अगर आप इवेंट कर रहे हैं, फ्री हाईटी दे रहे हैं, तो देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। कुछ हम लोगों ने खुद अपनी जेब से भरी, कुछ स्पॉन्सर्स ने हमें दी, बट स्टूडेंट को हम लोगों ने, जो हमारा मकसद था बेसिकली, बिल्कुल काजी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, आप नाजरीन सुन रहे हैं, अपनी जेब से कॉस्ट देकर आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि आप लोग किस तरह लोकल ई कॉमर्स में आगे बढ़ सकते हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। मैं थोड़ा सा आप जाऊंगा कि व्हाई लोकल ई कॉमर्स इज इंपॉर्टेंट। देखिए जब ऐड कीजिएगा कि चाइनीज लोकल ई कॉमर्स जो वहां पे प्रैक्टिस की जा रही है, जाहिर है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स अभी बहुत पीछे है, लेकिन हम वो क्या स्टेप्स लें
कि हम चाइना की ई कॉमर्स के मुतरादिफ आ सकें। मैंने सर आपको एग्जांपल दी थी कि दुनिया में नंबर वन एक दिन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की जो सेल करता है वो अलीबाबा है, वो चाइना के अंदर है और वो लोकली सबसे ज़्यादा उसका 80-90% शेयर होता है। चाइना के अंदर ना अमेजोन है, ना ईबे है, ना कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना यूट्यूब है। डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर जनरेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू थ्रू ई कॉमर्स। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने लोकल ई कॉमर्स को इतना ज़्यादा एम्पावर किया और इतना ज़्यादा बड़ा किया है कि उनकी लोकल इंडस्ट्री, देखें आप जब लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट होता है ना तो आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पाई, हम क्यों इंपोर्ट की तरफ ज्यादा चले गए? उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि हम उनको वो डिमांड्स नहीं दे सके कि जो एक फैक्ट्री को रन कर सकती है। वो कैसे आ सकती है? जब आपकी या तो दुकानें बहुत सारी खुल जाएं, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। दुकान खोलने के लिए एक पगड़ी चाहिए, एक किराया चाहिए, लाइटिंग, बिजली वगैरह ये सब चीजें चाहिए। तो ई कॉमर्स के लिए कोई कोटेशन नहीं चाहिए। मैंने कहा बताया 15,000 से आप अपनी वेबसाइट, अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ब्रांड अपना लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने लोकल ई कॉमर्स को इतना फरोग दिया कि उनकी लोकल इंडस्ट्री बड़ी, और वो इतनी बड़ी कि ना सिर्फ उन्होंने लोकली उसको बेचा बल्कि उसी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स की इंटरनेशनल जब प्रोजेक्शंस उन्होंने की और इंटरनेशनली जब उनको लॉन्च किया तो लोकल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली बेच रहे हैं। तब कोई अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म किसी को ब्लॉक भी नहीं कर सकता, किसी का काम बंद नहीं कर सकता। देखिए सबसे बड़ा दुख जो हुआ है ना वो ये हुआ है कि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने अपने जेवरात बेच के, अपने घर के सामान बेच के अमेजोन पे काम स्टार्ट किया था और उनके अकाउंट अब ब्लॉक हो चुके हैं, सारी जमा पूंजी उनकी खत्म हो चुकी है। तो ये जो चीज है ये बहुत बड़ी तकलीफ हम लोगों को देती थी। यही अगर उनका अपना लोकल ई कॉमर्स का ब्रांड होता यार, अगर वो मैं कहता हूँ प्रॉफिट ना कमा सकते, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आते। और यहाँ पे काम कर करके वो इतने परफेक्ट होते ना कि अमेजोन भी जब वो फिर काम करते ना तो उनके फेलियर रेट बहुत ही कम होते। अच्छा काजी साहब ये बताइएगा यार कि लोकल ई कॉमर्स का जो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, आप जिस तरह 25 सितंबर को इवेंट आ रहा है रमादा में, सारा उनको समझाएंगे कि किस तरह से वो लोकल ई कॉमर्स का काम शुरू कर सकते हैं। आप ये बताइए कि जो लोकल ई कॉमर्स का काम शुरू करेगा वो आने वाले वक्त में फ्यूचर में जाकर दूसरे ममालिक को पाकिस्तान की प्रोडक्ट सोर्स कर सकता है, इसके कितने ब्राइट चांसेस हैं, जरा बताइए। जैसे मैंने वो एग्जांपल दी कि जंग जैसे एरिया में, मैं तो वो नाम सुन के हैरान हो गया, अगर आप जंग के एरिया में जाते हैं ना वो एग्रीकल्चरल इंसेंटिव एरियाज हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर चावल फ्लोर मिल्स बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे बैठ के बॉक्सर्स बनाना, पैक ऑफ थ्री बनाना और ऐसी कॉस्ट के अंदर लेके आना, ये एक बहुत अपने जो है ना जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वो बना के आप समझेंगे कि 100% माल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि लोकल वो बना के बेच ही नहीं रहे, उनकी डिमांड उनसे इंटरनेशनली पूरी नहीं हो रही। तो ये जो प्रोडक्ट और इस कॉटेज कॉस्ट के अंदर जब आप लेके आएंगे पाकिस्तान में, तो ऑलरेडी इतना ज्यादा एरिया अवेलेबल है और वहां पे उनकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल थी ना वो ये थी कि उनकी जो लेबर है ना वहां वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थी और पाकिस्तान में आपको कॉस्ट इफेक्टिव लेबर बड़े आराम से मिल जाती है। उसको बुनियाद बनाते हुए जब आप पूरी दुनिया में उसको वो कॉस्ट नहीं मिल रही पाकिस्तान के उस एरिया से मिल रही है, तो आप जस्ट इमेजिन करेंगे पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट्स को हिट करने। बिल्कुल ठीक हैदर काजी साहब, जाहिर है हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि वो लोकल ई कॉमर्स में किस तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा आपसे ये भी सवाल होगा कि आप उन बच्चों को ये भी ज़रूर बताइए कि उनको जब लोकल ई कॉमर्स का काम शुरू करना है तो उनको क्या दुश्वारियाँ आ सकती हैं, क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। लेट सपोज एक बंदे ने अमेजोन का काम स्टार्ट किया है और वो उसमें फेल हो गया, अब वो क्या कर सकता है? डेड एंड। यही डेड एंड बहुत ज्यादा हमारे पास आना स्टार्ट हुई, तो हम डिप्लॉयर्स के प्लेटफॉर्म से ये चीजें लोगों को सिखाना स्टार्ट हो गए। ई कॉमर्स का लेट सपोज उसने काम किया और वो फेल हो गया, फेलियर मैं ये कहूंगा, मीन साहब कहते हैं कि देयर इज नो फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग लेसन, लेकिन लर्निंग ऑन द अमेज़न इज ओनली एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेसेस रिलेटेड टू अमेज़न। बट लोकल ई कॉमर्स में लेट सपोज वो एक साइड पे फेल हो गया, लेकिन उसको जो नॉलेज उस वक्त वो आ गया, वो मार्केट में इसमें डिमांड है। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें, अगर आप अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सके, आप अपना कारोबार नहीं स्टार्ट कर सके, लेकिन ई कॉमर्स की एक दफा सर्कल और जर्नी से गुजर गए, स्पेशली लोकल ई कॉमर्स, तो इस वक्त लोकल ई कॉमर्स के बंदे की मिनिमम सैलरी 1,00,000 रुपए है, आपको पता है, और मार्केट के अंदर हमें कंपनीज पूछ के थक गए हैं कि हमें बंदे रेफर कर दें, हमें बंदे रेफर कर दें, हम ई कॉमर्स मैनेजर्स रखना चाहते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स रखना चाहते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम है। तो यहां से जो लड़का या जो बच्चा या बच्ची इस चीज को सीखेगी,
वो मार्केट के अंदर एकदम जाके फिट हो जाएगी, उसकी अर्निंग 80 से 1000 लाख रुपया बड़े आराम से स्टार्ट हो जाएगी। काजी साहब ये भी बताइएगा, लोकल ई कॉमर्स के अंदर जाहिर है डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, वो भी सिखा रहे हैं बच्चों को? एग्जैक्टली, देखिए डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। जब अमेज़न पे आप काम करते हैं तो अमेज़न के अपने मैट्रिक्स होते हैं। सवाल पूछने का मकसद ये था क्योंकि लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लोगों को यही नहीं पता अभी, बच्चों को, बच्चे जाहिर है मासूम है, उनको हम बताएंगे तो वो आगे जाएंगे ना, वो ये समझते हैं कि लोकल ई कॉमर्स अलग है और डिजिटल मार्केटिंग अलग है। जब आप ई कॉमर्स और लोकल ई कॉमर्स सीख रहे हैं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग आप ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं, बिकॉज चीज आपने बना ली, दुकान आपने बना ली, बेचनी कैसे है, मार्केटिंग करेंगे तो बिकेगी। एग्जैक्टली, और किन प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करना? फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सर्च मैकेनिज्म के ऊपर, ये सारी की सारी, ये आपकी तकरीबन 90% ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। उमर मुबीन इज हेडिंग दैट और वो पूरा लेक्चर आपको इसके ऊपर देते हैं, और इवन आफ्टर दैट इवेंट आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट, इसके अलावा 9 चीजें और हैं। सही, पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो जितनी हो सके वो जो है एक किस्म के इनिशिएटिव्स वो ले रही है। पीटीआई ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए, वो अमेज़न को के अंदर उन्होंने जिसे कहते हैं कि अप्रूव सेलर लिस्ट के अंदर ले आए, बट इन दी एंड ये टाइम टू टाइम जो है ना इवॉल्व करेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट करी है, हमारे इवेंट्स में आईटी मिनिस्टर साहब आए, डॉक्टर असलान खालिद साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब आए, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी साहब आए। कता गलामी के लिए माजरत, अभी भी आपको मैं बता दूं कि 25 सितंबर को जो हमारा इवेंट होने जा रहा है उसमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री के की प्लेयर्स हमारे साथ होंगे, जो आपको ट्रेन करेंगे, जो आपको सिखाएंगे कि किस तरह आपने लोकल ई कॉमर्स में, और आपको एक चंक ये भी बताया जाएगा कि आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। जी एग्जैक्टली, तो वो सब लोग आ रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी प्लान 9, रीजनल प्लान 9, द्रास यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा बहुत सारे लोकल अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्रैक्स, तनकाश, ये सब हम लोगों के साथ पार्टनर हैं, और ये लोग इस जर्नी के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से लोकल ई कॉमर्स को। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे जितना कर रही है आई थिंक वो बहुत है, और इसके बाद भी थोड़ा सा जो है वो करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग उनके साथ मिलकर। और फाइनली उन बच्चों के लिए कोई पैगाम जो आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, पैगाम इतना सही है जी, लोकल ई कॉमर्स के बारे में सीखें। लोकल ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फेलियर रेट बहुत कम है, और अगर आप अपना कारोबार नहीं कर पाए तो आप कहीं ना कहीं पे जॉब जरूर कर पाएंगे, और मिनिमम सैलरीज की 80,000 से 1,00,000 रुपये स्टार्ट होती है। काजी साहब, ये जिनको क्या चीज़ है और इसका डिप्लॉयर से क्या ताल्लुक है, ये भी बताइएगा। देखिए, जिनको रिटेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लोकल ई कॉमर्स के डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ये ग्रो करने वाले हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके ईआरपी सिस्टम को, यानी कि जो ट्रेडिशनल रिटेल सिस्टम चल रहा है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर देता है। अब आपकी इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल एमएम आलम के किसी स्टोर में पड़ी हुई है, ऑनलाइन वेबसाइट पे पता होगा, अगर वेबसाइट वाले ने भेज दी तो वो शॉप से ही डायरेक्ट कस्टमर को शिप हो जाएगी। ये बहुत ही हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी है जिनको के नाम से। इन्होंने क्योंकि लोकल ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, इनका विजन भी लोकल ई कॉमर्स को एम्पावर करना था, तो deployers.pk के प्लेटफॉर्म के साथ इन लोगों ने अपनी कोलैबोरेशन की है, और दे आर एक्सक्लूसिव पार्टनर्स फॉर डिप्लॉयर्स। और काइंडली ये भी बताइएगा कि जो बच्चे 25 को हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो जिनको से क्या सीख सकेंगे? जिनको से बहुत कुछ सीखेंगे, जिनको से क्या सीखेंगे? जिनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एटलीस्ट 150 स्टूडेंट्स लाख लाख प्लस सैलरीज पे डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिप्लॉय किए हैं, तो जिनको से जो सीखेंगे वो ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, और लोकल ई कॉमर्स में कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो इंटरनेशनली बिकेगा। आप ये इमेजिन करें कि आप अपना अमेज़न बना रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक, बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स हैदर अहमद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इस पॉडकास्ट से इतना ही।